भी मलिन बस्तियां हैं जिनमें और जिनमें लोगों को बार बार भगा दिया जाता है, तो उनका उन्हें ना जल्दी भगाया जा सके, वो रहे वहाँ पर। तो वार्ड स्तर पे जो कम्युनिटी हॉल हो, सरकारी हो, सरकारी दर पे इन्हें मिले, और जो गरीब है, निर्धन है, उनकी बेटियों की शादी जो करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो जो भी खेल कूद के लिए जो स्टेडियम्स होते हैं वार्ड स्तर पर उनका निर्माण करना। अगर एक नीरज चोपड़ा अगर हरियाणा में पैदा हो रहा है तो हमारे बिहार की धरती में क्यों नहीं पैदा हो रहा है। मेयर डिप्टी मेयर को लेकर के सरगर्मियाँ तेज़ हैं। पटना में तमाम प्रत्याशी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और उस बीच डिप्टी मेयर को लेकर डॉक्टर अंजना गांधी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। और देख सकते हैं सभा है जहां पर काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं डॉक्टर अंजना गांधी के समर्थन में। राजद के जिला अध्यक्ष भी साथ में हैं, हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। अंजना जी, लगातार दिन रात एक कर लोगों के बीच जा रही हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही है? हाँ, बातचीत हो रही है। मुझे महिलाओं का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि महिलाएं जो डेली जिन समस्याओं से ग्रसित हो रही हैं, मैं उनकी ही बातें करती आ रही हूँ, और उन्हीं के सब लोग के लिए काम करना है, उनके लिए भी सभी लोग के लिए काम करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी मलिन बस्तियाँ हैं जिनमें लोगों को बार बार भगा दिया जाता है, तो उन्हें ना जल्दी भगाया जा सके, वो रहे वहाँ पे। रिहैबिलिटेशन सेंटर इनके लिए खोलना, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से रहे और रोज़गार भी कर सके, छोटे छोटे रोज़गार उनके लिए बनवाना, ताकि उनका घर अच्छे से चल सके। और दूसरी आपने समस्या देखी होगी कि ये यूथ के लिए, युवाओं के लिए जो खेल कूद से संबंधित, क्योंकि अगर एक नीरज चोपड़ा अगर हरियाणा में पैदा हो रहा है तो हमारे बिहार की धरती में क्यों नहीं पैदा हो रहा है। तो जो भी खेल कूद के लिए जो स्टेडियम्स होते हैं वार्ड स्तर पे उनका निर्माण करना, और खेल कूद के प्रति लोगों को जागरूक करवाना, और उनके लिए वो अच्छे से उसमें कर सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पटना नगर निगम का नाम रोशन कर सके, ताकि उनको ट्रेनिंग के लिए दूसरे जगह ना जाना पड़े। तीसरी, कम्युनिटी हॉल आप देखते होंगे कि घर में तरह तरह के आयोजन होते हैं, जन्मदिन मनाना हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाना हो, बर्थडे मनाना हो, एक तो उसका खर्चा अलग होता है, दूसरा कम्युनिटी हॉल बुक करो उसका खर्च। तो वार्ड स्तर पे जो कम्युनिटी हॉल हो, सरकारी दर पे इन्हें मिले, और जो गरीब है, निर्धन है, उनकी बेटियों की शादी जो करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसके लिए पटना नगर निगम के लोग, मतलब हम पटना नगर निगम के तरफ से पहल करेंगे, और वो सारा आयोजन कम्युनिटी हॉल में वार्ड स्तर पर हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि वो इस चिंता से मुक्त रहे कि हमें कहीं हॉल बुक कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। राजद के जिलाध्यक्ष भी हैं पटना के, इनसे बात करेंगे। आप समर्थन में हैं, साथ बैठे हैं, क्या देखा खास कि डॉक्टर अंजना गांधी को समर्थन किया और आप इनके साथ बैठे हैं? अंजना गांधी हमारे छोटे भाई आज़ाद गांधी, जो राजद के बड़े नेता हैं, उनकी पुत्री हैं, और नॉमिनेशन में भी मैं था, और अंजना गांधी का सोच जो है गरीबों के प्रति है, युवाओं के प्रति है, स्वास्थ्य के, शिक्षा के प्रति, और जो पटना शहर में जो खटाल के मालिक लोग हैं, गाय वाले, कभी कभी उन लोग को मार के भगा दिया जाता है, तो खटाल स्थापित रहे, ठेला वाला, भिंडर वाला, वो भी स्थापित रहे, और लाखों लोग जो पटना में जो गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, बेघर हैं, उनको स्थापित किया जाए, उनको बसाया जाए, ये अपना करेगी। और मेरा तो 75 वार्ड हैं, सभी वार्डों में हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, और भारी जनाधार वाली है। अभी तो हमारा लालू जी, नीतीश जी, कांच का महागठबंधन है, CPI CPM, सबका समर्थन अंजना गांधी के साथ है, और सब लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। आशीर्वाद दिलवाएंगे आप? आशीर्वाद तो हम देने के लिए अबे किए हैं जी, सब लोग का आशीर्वाद है। जब हम आशीर्वाद, महागठबंधन के सबसे बड़ा नेता हम हैं, तो सारा लोग तो मदन इनको करेगा ही, लोग कहा जाएगा लोग, इसलिए पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम जो है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बात कर लिया जाए। हम जो आए हैं सोच समझ के आए हैं, ये नहीं कि हमारा तो मन मिजाज ऊपर नीचे सब जो है अजना गांधी आज़ाद गांधी के साथ है, इसलिए इसका इनका जीत निश्चित है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और इनकी बात भी सुने होंगे, इसलिए गरीबों के काम करेगी। और लाखों लोग जो है ये पट्टा शहर में गरीब लोग है, बेघर है, उनके लिए काम करेगी। स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, युवाओं के बारे में सारी बात तो हो रही है, तो इनको मौका मिलना चाहिए। और हमारा दुर्गा पूजा के प्रथम दिन है, जो माँ की आराधना है, माँ से भी हम आराधना करते हैं कि अजना गांधी को आप डिप्टी मेयर बनाइए। तो आपने सुना, तमाम महागठबंधन का आशीर्वाद है, तमाम दलों के नेताओं का आशीर्वाद है डॉक्टर अंजना गांधी को, और गरीबों के हित में सोच रही हैं, कार्य भी करेंगी। खैर, देखने वाली बात यह है कि मतदाताओं का कितना आशीर्वाद मिलता है। हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम, लाइव सिटीज पटना।